हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट वन पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 2013 में है। 2013 में फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, 4 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या दिया है, 1 ठीक है। तो पहले क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है सिर्फ इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मांगता है, इसको मैं नीचे ले लूंगा। तो ये क्या मिलेगा बताओ, यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। तो अभी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो इसको लिनियर फॉर्म में चाहिए। तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताइए। चाहे लिखने को उतना भी करने की जरूरत नहीं है, लिनियर फॉर्म में ऐसे भी कर सकते हैं ना। 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ठीक है। तो इसका मतलब कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है, 1/2 ना। तो 1/2 कितने डिग्री पे होता है, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 ना। तो इसको रेडियन फॉर्म में कर लो, क्योंकि 12th में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं ना। तो 60 डिग्री को रेडियन में करते हैं तो पाई अपॉन 180 आता है। तो पाई से पाई गया, मतलब 0 से 0 ये किया, तो पाई अपॉन 3 ठीक है। तो ये तुम्हारा वैल्यू कितना है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये समझा क्या, 1/2 के जगह पे कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 लिखा, समझ में आ रहा, क्या समझा, बहुत सिंपल। अभी तो ये जब इक्वल होता है ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा ठीक है। तो अल्फा यहां पे तुम्हारा ये पार्ट है ठीक है, और इसको एक्स लिया, थीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो वैल्यू आ गया, तो डाल दो एन पाई प्लस माइनस कितना है, पाई बाई 3, समझा क्या, पाई बाई 3 अल्फा की जगह पर डालना, मतलब एन पाई उसमें जितना ऐड करते जाएगा, मतलब तुम्हें समझा देता हूं, एन पाई की जगह पाई के, एन की जगह पे क्या डाल सकता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी ठीक है। चलो लिख लो, बहुत सिंपल था ना। तुम्हें क्या करना है खाली, कि 1/2 कौन से डिग्री पे होता है ये याद रखना है ना, फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला, हाँ बस ये फॉर्मूला एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वन क्या बोलता है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ठीक है। ध्यान से देखो, उधर मत देख, जब ऐसा रहेगा ना, ये अलग तो फॉर्मूला के फॉर्म में फिट करने का। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, सुन मैं। तो यहां पे फिट करूंगा, देखो कॉस बी है, साइन ए बना दू, तो क्या करता हूं, दोनों साइड मैं डिवाइड कर देता हूं 1/√2x से, 1/√2 प्लस 1/√2 साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√2, समझा क्या, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हो ना, कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ 45 इक्वल इनटू साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2, यहां तक समझा। यहाँ पे सवाल पूछना चाहिए कि रूट टू से ही क्यों किया सर, रूट टू थ्री से क्यों नहीं किया ना, क्योंकि जो साइन 45 और कॉस 45 होता है वो दोनों को वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, कितना होता है, 1/√2। तो कभी भी मल्टीप्लाई करना होगा तो साइन 45 से करना, तो 45 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 180 कितना आता है, कैंसिल करोगे तो पाई बाई 4 के बराबर आता है, चेक कर सकते हो ठीक है। 4 टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करो 180 आता है ना, तो इसको 4 टाइम में कैंसिल कर देंगे ठीक है। तो ये रेडियन फॉर्म में होता है, ये डिग्री फॉर्म में होता है, याद रखो। हम लोग रेडियन फॉर्म में क्यों पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं IUPAC स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब सभी जगह ये वैलिड है, इंडिया में ये वैलिड है ठीक है, इंटरनेशनल पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो इसको कन्वर्ट कर देता हूं रेडियन में, तो साइन पाई बाई 4 कॉस ऑफ एक्स
प्लस कोस ऑफ पाई बाई फोर साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, याद क्लियर है? तो देखो ये फॉर्मूला में बैठ गया ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी हो गया ना, तो साइन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, याद क्लियर है? ठीक है, तो बस हो गया और क्या, तो लिख लो, तो x प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू ये तुम्हारा ये होता है ना साइन 45, तो साइन ऑफ पाई बाई फोर ना, तो ये इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई फोर के बराबर है ना, तो जनरली इक्वल करेंगे तो ये होता है फॉर्मूला एन पाई, देखो यहां तो बता एन पाई प्लस माइनस अल्फा ना, तो लिख लो एन पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा क्या है पाई बाई फोर, ठीक है, तो हो गया अल्फा पाई बाई फोर है ना, पाई बाई फोर, तो ये इससे कैंसिल हो जाता, तो एक्स इक्वल टू एन पाई आर, चलो लिख लो, चलो ठीक है। देखो थर्ड, थर्ड में जनरल सॉल्यूशन निकालना है, साइन ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स इक्वल टू है ना, इक्वल टू tan of x माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, बहुत सिंपल है, सबको साइड में ले ले, मतलब लेफ्ट में ले लो, तो क्या मिलेगा बताओ, साइन ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स ना, बराबर है माइनस वन, ये माइनस और ये माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टेन किसमें लिख रहा है, इसमें लिख रहा है, इसमें से कॉमन ले लो और ये दोनों को साथ में रखो, ठीक है, कॉमन लूंगा तो टेन ऑफ एक्स कॉमन आ जाएगा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन कॉमन लेता हूँ साइन ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, बराबर है, तो ये अभी दो टर्म्स बन गए, ये दोनों में से क्या कॉमन है, ये कॉमन है ना, तो साइन ऑफ एक्स माइनस वन कॉमन ले लो इंटू टेन ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, याद क्लियर है, तो एक बार ये इक्वल टू जीरो करो, एक बार ये इक्वल टू जीरो करो, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दूसरा क्या होता है टेन ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये साइन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आया माइनस वन, तो माइनस वन किस पे आता है 180 पे ना, नहीं 270 पे आता है, देखो ये जीरो पे जीरो होता है साइन, 90 पे कितना होता है वन, इस पे माइनस वन होगा ना, तो 270 होता है ये ना फिर डिग्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा, फिर ये देखो टेन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है माइनस वन, तो 45 पे वन होता है 45 पे, तो इसमें क्या होता है टेन नेगेटिव ना, तो 45 प्लस कर दे रहा हूँ उसमें, ठीक है, तो ये निकाल देता हूँ इंडिविजुअली, यहाँ पे गलत कर दिया ना, ये माइनस है ना, समझ में आ गया, तो ये प्लस होगा, तो साइन 90 पे ही वन है, समझ में आ गया, तो ये साइन ऑफ एक्स इक्वल टू वन किस पे है साइन ऑफ 90, 90 कितना होता है साइन ऑफ पाई बाई टू, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू आ गया ना, समझा गया, अभी ये माइनस वन है, तो ये टेन ऑफ पाई बाई फोर टेन 45 वन होता है, ठीक है, इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, तो एक्स इक्वल टू आ गया ना माइनस पाई बाई फोर, समझा गया, तो अभी ये माइनस है तो माइनस नहीं चाहिए मुझे, तो अंदर ले लूंगा, तो ये हो जाता है टेन ऑफ पाई माइनस पाई बाई फोर, एलसीएम लो तो टेन एलसीएम फोर है, तो ये हो जाएगा फोर पाई माइनस पाई, तो ये क्या हो जाएगा टेन ऑफ थ्री पाई बाई फोर, ठीक है, इक्वल टू टेन ऑफ एक्स था, तो एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर लिख सकता हूँ ना, ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था लेकिन मुझे प्लस चाहिए ना आंसर में, तो इसलिए पाई माइनस पाई बाई या पाई बाई फोर, ठीक है, और कुछ है इसमें, तो अभी सिंप्लीफाई करना, जनरल फॉर्मूला निकालना है ना, ठीक है, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू एन पाई होता है ना, तो थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस वन रेस टू एन अल्फा, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस वन रेस टू एन, अल्फा का वैल्यू कितना है वहां पे पाई बाई टू ना, वी हो जाएगा पाई बाई टू, क्लियर है,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके लिए निकाल देता हूँ, ये तो साइन के लिए आ गया ना, टेन के लिए देखो। तो टेन का अगर जनरल फॉर्मूला लिखू मैं, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई, एन पाई बराबर है प्लस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3π/4 डाल दो, आंसर आ गया। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस 3π/4, सुन में आया क्या? देखो यहाँ पे एन पाई लिखा हो ना, तो एन पाई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि फिर इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे मैं एम पाई लिख देता हूँ, सुन में आया? क्योंकि ये अलग और ये अलग है ना, ये साइन का ये टैन का, इसलिए अलग दिखाने के लिए माइनस वन क्यों लिया हमने। हाँ ये तो मैं प्रूफ करके लाया था ना, जनरल फॉर्मूला इक्वेशन पहले से ये प्रूफ बताया था, ये जनरल फॉर्मूला होता है, तो ये याद रखना पड़ेगा मुझे। तो थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा, साइन कॉस टेन का अलग है, हाँ सबका अलग है, साइन का अलग, टेन का अलग, कोस का अलग, टेन का ये है, हाँ साइन का लिख दिया, कोस का इसके पहले लिखा हूँ, देखो प्रूफ किया ना भाई, प्लस अल्फा है। चलो लिखो, फोर्थ सॉल्व करो, तो सुबह सुबह जूली भिंडी और साइनस काम कर देगी, चलो फिफ्थ देखो, बहुत सिंपल है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ थ्री एक्स प्लस साइन ऑफ फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जनरल सॉल्यूशन निकाला 2016 में, ठीक है। तो इसमें साइन ए प्लस बी का रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये दोनों को साथ में ले लो, इसको साइन ए लो, इसको साइन बी लो, तो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी रहेगा, तो ये होता है टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, पढ़ने पर ध्यान दे, ठीक है। इसको सी प्लस डी के भी फॉर्म में बोलते हैं, ए बी ले, सी डी ले, थीटा वन ले, थीटा टू ले, सेम ही बात होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा फॉर्मूला लिखा था साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी, तो ये क्या होगा टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, पूछूंगा कल नोट्स, कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब यहाँ पे प्लस होता है दोनों साइन का, तो ये फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, प्लस वाला माइनस वाला माइनस वाला, चलो सीख गया, चलो तो अप्लाई कर दो इसको। तो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा 5x है ना, तो क्या मिलेगा बताओ, 2 sin of x plus 5x by 2 cos of 5x minus x upon 2, बड़े वाले को छोटा माइनस करेंगे ना, प्लस sin of 3x बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 sin of, देखो x plus 5x 6x होगा ना, 6x by 2 3x हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, प्लस प्लस नहीं है इनटू है ना, 2x, हां तो ये हो जाएगा 4x by 2, तो ये हो जाएगा 2x plus sin of 3x बराबर है, कॉमन क्या है वो ले लो, इक्वल टू 0 है ना, sin of 3x कॉमन है, तो 2 cos of 2x plus 1 इक्वल टू 0 बराबर है अगर, तो एक बार sin of 3x इक्वल टू 0 लो, एक बार 2 cos 2x plus 1 इक्वल टू 0 लो, तो ये cos of 2x 1 by 2 ये minus 1 होगा ना इधर, तो cos of 2x equal to minus 1 upon 2 समझा, तो cos sin 0 किस पे होता है 90 degree 0 0 पे होता है sin है ना, cos 90 पे होता है, ठीक है, याद क्लियर है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, 3x equal to n pi आएगा, 3x equal to n pi आ गया ना, कैसे आया सर, हाँ जीरो रहता है तो एन पाई, मतलब देखो साइन जीरो जीरो, तो ये वाला लाइन रहेगा ना एक्स एक्सिस, उस पर साइन जीरो होता है, तो ये वैल्यू कितना है जीरो, ये कितना है 180, ये फिर से कितना आएगा 360, इसमें ऐड करो 180 कितना आता है, तो ये रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे जीरो फिर यहाँ पे जीरो, तो दो बार जीरो आता है ना, इसलिए एन पाई लिखा, तो देखो एक बार डालो जीरो, तो जीरो आया, एन का वैल्यू 1 डालो तो पाई आया, तो पाई मतलब 180 ना, फिर डालो 1 डाला फिर 2 डालो तो 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो इसको जनरल फार्मूला बोलते हैं। अगर कंफ्यूज हो रहा तो 0 होगा एक बार, पाई होगा फिर 2 पाई होगा फिर 3 पाई 5 पाई,
फोर पाई छोटी है ना, सिक्स पाई, सेवन पाई, लाइक दैट। इसलिए इसको जनरलाइज करके एन पाई लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी थ्री को मैं नीचे ले लूंगा ना, तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू एन पाई बाई थ्री। समझ में आया? चलो अभी ये वाला पॉइंट को भी जनरलाइज कर देता हूं। क्या है, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू है, तो ये होता है cos 2 पाई बाई थ्री पे, ये वैल्यू cos ऑफ 2 पाई बाई थ्री पे, ठीक है, माइनस वन अपॉन टू के बराबर होता है। देखो cos जो होता है, cos ऑफ 60 डिग्री होता है 1 अपॉन 2, तो 60 डिग्री को कन्वर्ट करो, किस में करो, रेडियन में, तो 60 इंटू पाई बाई 180, इससे गया, इससे ये गया, तो पाई बाई 3 ना, तो देखो फिर वो माइनस था, तो फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा ना ये वाला फॉर्मूला से, cos ऑफ पाई माइनस थीटा, वो बताया था, तो इधर डालो, तो पाई माइनस पाई बाई 3, समझा क्या, बताया था ना टेन वाला में भी, तो ये एलसीएम लो, तो एलसीएम 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये cos ऑफ 2 पाई बाई 3, सुना आगे आंसर देखो, तो ये cos ऑफ 2 पाई 2x के बराबर है ना, तो इसको जनरलाइज करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। यहाँ पे m क्यों डाला हूं, क्योंकि ये cos वाला पार्ट है, वो sin वाला था ना इसलिए। तो अभी देखो 2 सब में कॉमन है, कट कर दूं, तो x इज इक्वल टू m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये आंसर है तुम्हारा, समझा। तो तुम्हें क्या याद रखना है, जनरल फॉर्मूला एक ये और एक ये वाला ना, ठीक है, सब में यही आता है। चलो लिखो 2 का फर्स्ट को चालू करो, प्रूफ है, फॉर्मूला किधर है, देखो यहाँ पे भी, ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, देखो देखो देखो, एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीन साइड तीन एंगल होता है, तो इसका नाम है ए बी और ये सी, ये तुम्हारा एंगल ए, इसके ऑपोजिट साइड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बी दिख रहा है, इसके ऑपोजिट साइड के साइड को बी और इसको सी सी, तो एंगल ए बी सी ऐसे लिखेंगे, और इसके साइड्स क्या होंगे, ए बी सी, ये तुम्हारा एंगल पार्ट हो गया, और ये साइड, यहां तक क्लियर है, ओके। चलो तो तुम्हें क्या प्रूव करना है, यूजिंग यूजुअल नोटेशन ए बी सी प्रूव दैट ए इंटू बी कॉस ऑफ सी माइनस सी कॉस ऑफ बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2017-13 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम एल एच एस शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो ए हो गया, ये बी हो गया, कॉस सी का फॉर्मूला होता है डाल दो, जब कॉस सी रहेगा ना, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab बराबर है सी स्क्वायर को माइनस करने का, देखो यहाँ पे बी है ना, तो बी स्क्वायर माइनस करेंगे, सी रखो, बी को छोड़ के स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा ना माइनस बी स्क्वायर, डिवाइडेड में ये दोनों आता है, तो 2ac आएगा, याद क्लियर है। चलो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, इससे इससे ये कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहा है, अभी मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, कर दो, चाहिए एलसीएम ले लो पहले, तो देखो सर ऊपर करो, हाँ यहाँ कर लो, तो ए इंटू बराबर है, क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस, बराबर ना, इसको ओपन कर दो, अभी रहने दो, ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a बराबर है, एलसीएम सेम है ना दोनों का, तो ए ए पूरे से मल्टीप्लाई है ना, ठीक है, तो एलसीएम क्या है इसका 2a, अभी बस ये क्वांटिटीज को लिख दो, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस कर दो, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, इससे ये कैंसिल, और कोई नहीं हो रहा है और कोई नहीं, गुड, इससे ए से ए कैंसिल होगा,
टू हाँ बराबर ना, टू बी आएगा टू बी स्क्वायर, गुड टू बी ए स्क्वायर माइनस टू सी ए स्क्वायर अपॉन टू टू, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा ना कॉमन लेके, तो टू कॉमन ले लूंगा तो बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर अपॉन टू से टू गया, ये बचेगा बी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर आर एच एस, ठीक है लिख लो हैंस प्रूव्ड, ट्राई करना है तो क्या करें लिख लो ये बात सेकंड, तो क्या सचिन बोला तो बेसिक काम महसूस कर और ठंडा भी काम महसूस कर तो काम फील होगा, तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी प्रूफ दैट बी ए स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस ऑफ बी, जो फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था वही है ये, पूछो मेरे को एक बार, देखो कॉस बी इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, तो वही है देखो यहाँ से निकाल देता हूँ इसको इधर लूंगा तो टू सी ए कॉस ऑफ बी आएगा इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, इसको इधर लिया ठीक है, तो कॉस बी इक्वल टू क्या है सी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर अपॉन टू सी ए, आया क्या समझ आया, यही है ना, तो इसको कोसाइन रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोसाइन रूल, याद क्लियर है, तो प्रूफ कर लेता हूँ ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, याद है आपने ओ x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तू उधर किसी का एक्सिस मत नाप, इधर से ट्रायंगल बना इधर ठीक है, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन मतलब कोऑर्डिनेट 0 कॉमा 0 होगा बराबर है, ये तुम्हारा साइड a है, साइड a क्यों है क्योंकि इसका एंगल a है ना ठीक है, इसके वाला साइड b होगा, ये इसका c है, ये तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, ये कहां से आया एबीसी, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए, कितना तो लिखने सीख लो ठीक है, तो अभी देखो बहुत सिंपल है, ये ओरिजिन है ना तो 0,0 कोऑर्डिनेट होगा, ये ए है तो एक्स का वैल्यू कितना है ए ना, वाई कुछ नहीं तो इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो होगा, होगा ना, होगा, अभी इसका निकालना पड़ेगा, इसमें एक्स और वाई दोनों आएगा ना, तो x क्या है तुम्हारा और y क्या है, ऐसे खड़ा हूं मैं b, रिजॉल्व करना पड़ेगा ना मुझे ठीक है, तो देखो तो इसको ऐसे ड्रॉ करो 90 डिग्री ठीक है, तो b एंगल ले लो इसको b, ये एंगल क्या है b, तो तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में सक्सेस, तो ये वाला पार्ट x निकालो फिर x1, तो cos of b equal to cos b क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसका x1 है, हाइपोटेनस कितना है c, तो x1 equal to c cos of b आएगा, ये समझा क्या, सिमिलरली ये हाइपोटेनस है h, ये नहीं पता, ये y है ना, तो sin of b क्या होता है y1 upon c होगा, समझा क्या, ये क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, साइन बी, समझा गया, याद कर ले फॉर्मूला है, तो y1 इक्वल टू क्या गया c साइन ऑफ b, समझा गया, तो यहाँ पे ये a का कोऑर्डिनेट क्या आया c cos b कॉमा c साइन ऑफ b, ये समझ में आया क्या सबको, ये आ गया तो आंसर आ जाएगा अभी, क्या आया यूरी ठीक है, नहीं समझा तो इसको साइड में ऐसे बना ले तुम लोग, ये है तुम्हारा एंगल बी, बी है ये है, इसको डी रखो ठीक है, तो मैं एक्स वन निकाला और ये वाई वन निकाला ठीक है, तो कॉस ऑफ बी क्या होता है एक्स वन और ये है सी अपॉन सी, तो एक्स वन इक्वल टू सी कॉस ऑफ बी ठीक है, और वाई वन इक्वल टू सी साइन ऑफ बी, अगर इतना भी नहीं याद है तो सिंपल याद रखो, कैसा, सटा कोस हटा साइन, ये क्या क्या एक्स मतलब सटा, वाई मतलब हटा, वाई एक्सिस खड़ा रहता है ना तो सटा वाली है ना जमीन से उस तरह से ठीक है, तो देखो सी कोस भी सी साइन भी ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सटा कोस हटा साइन ठीक है, तो हो गया अभी प्रूफ, तो देखो अभी
का कोऑर्डिनेट पता चल गया एल सी ए एल सी ए सी ए किधर देख रहा तुम्हें तो देखो लेंथ ऑफ सी ए इक्वल टू कितना है बी देखो ये वाला पार्ट कितना है ए सी ये ए है और ये क्या है सी इसका लेंथ कितना है बी क्लियर है यहाँ तक तो ये कोऑर्डिनेट पता है मुझे कितना है बताओ अभी निकाला हूँ सी कॉस ऑफ बी सी साइन ऑफ बी और ये कितना है ए कॉमा जीरो है ना देखो ए कॉमा जीरो समझा अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम पता है डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये तुम्हारा एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन यही है ना डिस्टेंस फॉर्मूला तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता था अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर डाल दो इसमें ये क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको ठीक है तो डी के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा बी क्योंकि ये पूरा लेंथ पता है ना मुझे बी अंडर रूट ऑफ एक्स टू क्या है सी कॉस ऑफ बी है ना एक्स वन क्या है माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है सी साइन ऑफ बी साइन ऑफ बी माइनस ये क्या है जीरो समझ में आएगा सॉल्व कर आंसर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा ना अच्छा क्यों तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू तो ये सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बराबर ना एक्सपेंड कर रहा हूँ ए माइनस बी कॉस स्क्वायर टू ए सी कॉस ऑफ बी प्लस ये क्या होगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी समझा चलो ये दोनों में से देखो क्या कॉमन है सी स्क्वायर कॉमन ले तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस ऑफ बी समझा तो ये वन होता है ना आइडेंटिटीज है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस ऑफ बी यही प्रूव करना था देखो वन की होता है आइडेंटिटीज है ना बचपन में पढ़े थे ना बचपन में जब खेल कूद रहे थे तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है ना अच्छा हाँ तो वही है ना दोनों एंगल सेम है प्रूफ हो गया ना देखो यही प्रूफ करना था ठीक है लिख लो बड़ा वर्ड बहुत सिंपल है ना अभी समझ में आ गया देखो सिंपल पेज नंबर कितना है ये 297 तो देखो इन ट्रायंगल यूजिंग नोटेशन प्रूफ दैट 2 into A sin square C upon 2 plus C sin square A by 2 equal to A plus C minus B याद क्लियर है सबको yes चलिए फिर तो देखो ये तुम्हारा लेफ्ट पार्ट है ये राइट पार्ट है तो ये देखो फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ पहले फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो लिख देता हूँ क्वेश्चन ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू अलग दिख रहा है सबको तो ये फॉर्मूला होता है साइन का कॉस में लिखना है फॉर्मूला तो क्या लिखोगे वन माइनस कॉस सी बाई टू होता है ठीक है क्या साइन थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस सी हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है ना तो वन माइनस कॉस सी आएगा बाई टू है तो यह टू आया ठीक है हो गया प्लस सी हो गया अभी लिख देता हूँ ना वन माइनस कॉस ऑफ ए बाई टू ठीक है इसका ये फॉर्मूला है डायरेक्ट तुम लोग भूल जाते हैं ना दस बार चलो अभी मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ गया तो ये टू को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा ना तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ए माइनस ए कॉस ऑफ सी सी माइनस सी कॉस ऑफ A. A. तो फॉर्मूला क्या था yes. A आ गया C आ गया और ये दोनों मिलके B हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो A cos of C plus C cos of A है ना तो इक्वल टू ये B होता है तो A plus C minus B hence proof तो A plus C minus B यही है ना प्रूफ चलो लिख लो ठीक है B कैसा है लिख लेना इसके जगह पे क्या लिखा मैं B समझा ये लो
चलो देखो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है आएगा चलो बोल ठीक है। देखो ये ट्रायंगल एबीसी ठीक है जा रहे हैं सर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बस कर आधा ही दे आधा दे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है। देन प्रूव दैट क्या होगा cot of A cot of B cot of C आर इन ऑल्सो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोले तो हाँ तो इसका साइड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है इसको माइनस इसको कर देगा इसको माइनस इसको कर देगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जैसे एक एग्जांपल समझा देता हूँ जैसे 2 4 6 है तो क्या फर्क है 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 तो इसको बोलते हैं एपी ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है इसको माइनस करो या इसको करो तो देखो 4 माइनस 2 कितना आता है 2 6 माइनस 4 कितना आता है 2 तो डिफरेंस करेंगे माइनस तो कितना आना चाहिए कॉन्स्टेंट आना चाहिए सेम आना चाहिए उसको बोलते हैं एपी समझ आया। तो यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आएगा ना दोनों का वैल्यू सेम आएगा 2 के बराबर जैसा ठीक है। तो बी को इधर ले लो तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये समझा ए स्क्वायर को इधर लिया ना ए को इधर लिया बी को तो ये ऐड हो जाएगा प्लस और इसको इधर लिया तो ए को उधर की भेज दिया साथ में है ना जोड़ी लगा दिया ये बी स्क्वायर ऑलरेडी था इसको इधर लिया तो बी प्लस बी स्क्वायर होगा ना तो ये हो जाएगा 2 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन क्या क्लियर है तो हो गया आंसर आगे सुन रहे क्या दिख रहा है ना सबको तो अभी क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करता हूँ ध्यान से देखो देखो ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर को ऐसी रखो और बी स्क्वायर को इधर ले लो मैं तो बोल ही रहा था हाँ ठीक है ना भाई कुछ नहीं ये आगे समझा दिया ये समझ गया ना तू मतलब तुम्हें बीच वाला नंबर निकालना है तो ये दोनों को ऐड करके डिवाइड करो तो ये तेरा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखो इसको बी स्क्वायर इधर ही रखो और इसको इधर ले लो वापस तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा कॉस बी वाला फॉर्मूला ठीक है। तो अभी क्या करो दोनों साइड डिवाइड करो टू ए सी बाय टू ए सी समझा क्या ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है कॉस बी ये कॉस बी है ना ठीक है ना कॉस बी का एक्सपेंड फॉर्म ये और इसको क्या करो साइन रूल लगाओ जैसे b अपॉन साइन ऑफ b इक्वल टू a अपॉन साइन ऑफ a इक्वल टू c अपॉन साइन ऑफ c इक्वल टू k ले लो इसको बोलते हैं साइन रूल ठीक है। तो b इक्वल टू क्या मिलेगा b इक्वल टू k साइन b मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर इससे c इक्वल टू क्या मिलेगा k साइन c समझा तो a इक्वल टू k साइन ऑफ a गुड सीख गया c इक्वल टू k साइन ऑफ c समझा तो यहाँ पे डाल दो आंसर आ रहा है क्या मिलेगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर b डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा k साइन ऑफ a k आएगा ना साइन ऑफ c आंसर आ गया k से k गया साइन स्क्वायर b डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ a साइन ऑफ c इक्वल टू कॉस ऑफ b क्या निकालना था कॉट के फॉर्म में लिखना है ना तो आ गया आंसर। तो देखो अगर एंगल a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना होता है 180 होता है ना एक ट्रायंगल में तो ये सब एंगल ही था ना तो इसको पाई के बराबर लिखता हूँ ठीक है। इसको साथ में ले ले तो 10 मिल जाएगा ना मुझे नहीं तो इसको इधर ले देखो साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2
टू साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी है इक्वल टू कॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी. ये समझा क्या? यहाँ पे दो साइन भी था ना, एक नीचे ले दिया. ठीक है, देखो टू इंटू टू था तो एक टू नीचे ले लिया, एक छोड़ दिया इधर. समझा क्या? देखो स्क्वायर था ना तो एक को ऊपर ही रखा और एक को नीचे ले लिया, तो ये कॉट बी हो गया ना. कॉट बी, कॉट बी कॉस अपॉन साइन होता है. समझा? अभी देखो ये बी को क्या लिख सकते हैं, यहां से बी को इधर रखो और इधर ए प्लस सी हो जाएगा. ये वाला देख, बी को इधर लिया, इसको इधर लिया. ठीक है, अभी उसमें क्या लगा दे, साइन लगा दे. तो साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस सी. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ए प्लस सी. समझा क्या? एक्सपेंड कर देंगे इसको. ये समझा यहां तक? नहीं, अरे बाबा हाँ समझा. ये दोनों को इधर लिया तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये तेरा बन गया फॉर्मूला. तो इसके जगह पे क्या लिखूं, साइन ऑफ ए प्लस सी अपॉन टू साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी. समझा? साइन बी की जगह पे लिखा, इसलिए कन्वर्ट किया. तो अभी इसको एक्सपेंड करते आंसर आ जाएगा. तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया था ना अभी, वो एक्सपेंड करेंगे. तो साइन ऑफ ए साइन ऑफ ए कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ सी. इससे सबको डिवाइड कर टू से, तो ये टू साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये टू साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी, इससे ये कैंसिल होगा इक्वल टू कॉट ऑफ पी ना. तो ये बाई ये कोट होता है, तो ये कॉट सी बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू इक्वल टू कॉट बी आ गया ना. तो कॉट ए प्लस कॉट ऑफ सी बाई टू इक्वल टू कॉट बी, ऐसा होता है तो ए पी होता है. देखो है ना, तो हो गया प्रूफ. चलो लिख लो फटाफट.